नमस्कार दोस्तों दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक जियो का मोबाइल है जियो F120B और इसमें हमारी कुछ कीपैड हमारे काम नहीं कर रहे। इसमें हमारे 7, 5, 9 और 0 बटन हमारे काम नहीं कर रहे। हम आपको चेक करा देते हैं। देखिए हमारा 1 हमारा कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 नहीं कर रहा, 6, 7 नहीं कर रहा, 8 कर रहा है, 9 नहीं कर रहा, 0 नहीं कर रहा, स्टार कर रहा है, हैश कर रहा है। यानी कि हमारे 5, 7, 9 और 0 चार बटन हमारे काम नहीं कर रहे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपने जियो F120 मोबाइल का अगर ये चार बटन की प्रॉब्लम हो तो किस प्रकार से आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों आप सभी से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो से कोई भी फायदा मिलता है, आपका डिवाइस अनलॉक होता है या फिर आपको बेनिफिट्स मिलता है तो आप हमें मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर हमारा लाइक बटन को जरूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप एक्टिवेट कर लीजिए। और अगर आप हमें प्रोत्साहन करना चाहते हैं, आप हमें दिल से थैंक्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर थैंक्स बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी राशि आप देना चाहें हमें, जो भी आप हमें मान लीजिए धन्यवाद के रूप में आपका बेनिफिट मिला हो, आपको फायदा हुआ हो, तो आप हमें यहाँ से 40 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज या फिर 1000 रुपीज जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर बाय और सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फायदा मिले तो ही आप ये थैंक्स का हमें करिए, अदरवाइज आपको करने की आवश्यकता नहीं। आपको थैंक्स पे ऐप कर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है और जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की है या फिर आपको जो भी फोन पे नंबर है आप यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद में आप इसको बाय कर सकते हैं, जिससे हमें भी थोड़ी सी सहायता राशि मिल पाएगी और हम आपके समक्ष और भी बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर पाएंगे और आप हमारे ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन वीडियो का आनंद उठा सकोगे और आप भविष्य में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते चले जाओगे। अगर आपको फायदा मिले तो ही आप ये थैंक्स ऐप को यहाँ से आप इसको बिल्कुल से आप वेरीफाई करिए, यहाँ से थैंक्स ऐप पे क्लिक करिए और जो भी सहायता राशि आप हमें प्रदान करना चाहते हैं फायदा मिलने पे, अगर आपको फायदा नहीं मिले तो आप इसको बिल्कुल भी एक्टिवेट मत करिएगा। देखिए दोस्तों आज हमारे पास एक जियो का मोबाइल है F120B और इसमें कीपैड की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। चार बटन हमारे काम नहीं कर रहे, 5, 7, 9 और 0। आप किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो हम आपको बताएंगे। आपको बैक पैनल ओपन कर लेना है, बैटरी निकाल लेनी है और आप देख पा रहे हैं हमारा मॉडल है F120B और आपको इसको सबसे पहले ओपन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें 1 बाय 1 करके सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं इसके। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दी तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है, बोन हम निकालेंगे, टूजर की हम मदद लेंगे इसमें और बिल्कुल केयरफुली तरीके से हमें ये निकालना है। हमारे बोन को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने ये हमारा बोन बाहर निकाल लिया और हम इसको बिल्कुल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने हमारा बोन बाहर निकाल लिया। अब हमें हमारा मदरबोर्ड भी बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमारा सेट है, लिक्विड डैमेज सेट है, पूरा हमारे सेट के अंदर पानी सा गया हुआ है और पानी की वजह से हमारा ये कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे कीपैड की प्रॉब्लम है और इसमें हमारा कीपैड काम नहीं कर रहा। तो हमारा जो कीपैड है 5 नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा और 0 नहीं कर रहा। तो हमारी ये देख पा रहे हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारी 7 बटन है। यहाँ से हमारी जो ये रो जा रही है, ये रो हमारी कहीं ना कहीं हमारी क्रैक हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये कहीं पर क्रैक हो गई है और ये रो हमारी डिस्प्ले सेक्शन के पीछे की साइड में जा रही है। तो हमें इसके डिस्प्ले के बैक साइड में हमें जाना होगा इसकी रो के लिए।
करना हमें ये, ताकि हमारे डिस्प्ले क्रैक नहीं हो जाए। ये देखिए हमने ये डिस्प्ले का हमने ये निकाल लिया, और हमें ये रिमूव कर लेना हमारा डिस्प्ले को। और डिस्प्ले रिमूव करने के बाद में देखिए हमारा ये यहाँ पर कीपैड का हमारा जो आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा बटन का आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा छील लेंगे यहाँ से। ये आप देख पा रहे हैं हमारा जो 7 बटन है ये यहाँ से हमारा निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ से होता हुआ हमारे डिस्प्ले की बैक साइड में आ रहा है। और ये डिस्प्ले की बैक साइड में आके देखिए ये यहाँ पर हमारा जॉइंट हो रहा है। तो हमें यहाँ से यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रैच कर यहाँ पर हमें जम्पर लगा देना है, ताकि हमारा कीपैड हमारा काम करे। तो हम इसमें जम्पर लगाएंगे, हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक सा हमने स्क्रैच कर लिया, और यही जम्पर हम दूसरा सिरा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम जम्पर वायर ले लेते हैं, जम्पर वायर इसमें लगाते हैं, थोड़ा हमें पेस्ट लगाकर उसमें लगाना होगा। आप देख पा रहे हैं कहाँ पर जम्पर लगाना, हम आपको बता देंगे एक बार और। अब देखिए दोस्तों आपको एक सिरा तो आपको लगाना है ये 7 के यहाँ पर। ये देखिए हम यहाँ पर लगा देते हैं ये 7 बटन के, हमने यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया, और दूसरा सिरा जो है हमें डिस्प्ले सेक्शन के पीछे की साइड में बैक साइड में हमें यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर हमें ये आकर यहाँ पर ये लगा देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये दूसरा सिरा हमने लगा दिया, आप देख पा रहे हैं हमने कहाँ पर लगाया ये, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमने फर्स्ट सिरा हमने यहाँ पर लगाया। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं इसको, हम बोन में लगाते हैं इसको। ये वायर आप हमारी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें बोन में पैक कर लेना है ये अच्छे से। और ये देखिए हमने जो जम्पर लगाया हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 7 पे लगा दिया आउटर में, और हमने यहाँ पर ये लगाया बिल्कुल यहाँ से, ये स्क्रैच कर हमने बिल्कुल यहाँ से जम्पर यहाँ पर लगा दिया दूसरा जम्पर। और अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए हम इसमें कीपैड लगाते हैं हमारा, और कीपैड लगाने के बाद में हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा डिवाइस ऑन है, हम एक नंबर दबाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#. देखिए हमारे सारे वर्क कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 5 भी हमारा काम कर रहा है, 7 भी हमारा काम कर रहा है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे जियो कीपैड मोबाइल को 5, 7, 9 और 0 को हमने बिल्कुल रिपेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।